और इस वीडियो में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनमी का ठीक है मैंने बहुत सारी रिवीजन वाली वीडियो बना दी और सुनो बहुत छोटे टाइम पीरियड की बनाई है दस दस पंद्रह पंद्रह मिनट की ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर पाओ ठीक है और मैं एक वीडियो भी सोचू बनाने की कि उसमें मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लूँगी आगे देखते हैं फटाफट रिवाइज करते हैं चैप्टर प्राइमरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर वो होता है देखो सेक्टर्स इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर्स को हमने तीन हिस्सों में बांट दिया है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्जरी प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो डायरेक्टली नेचर के रिसोर्सेज को यूज़ करता है ठीक है जैसे अग खेती बाड़ी करना और फिर उसके बाद आता है फिशिंग करना आप सीधा नेचर से डील कर रहे हो तो प्राइमरी सेक्टर हो गया अगर मैं सेकेंडरी की बात करूँ आप ये जो नेचर से सामान मिला है इसको मैन्युफैक्चर करके किसी और चीज़ में चेंज करो दैट इज सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर की अगर हमें बात करूँ तो क्या होगा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी का किया हुआ काम है या आगे उसको प्रोडक्शन में उसके एडवर्टीजमेंट में इन सब में उसको सपोर्ट करता है फॉर एग्जाम्पल आपने टमाटर उगाया प्राइमरी सेक्टर केचप बनाया सेकेंडरी सेक्टर केचप एड सेक्टर समझ गए चलो फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट होता है सर्विस सेक्टर ये भी सुन लो जो ये सर्विस सेक्टर जिसमें आता है बैंकिंग बोरोइंग मनी बैंक्स का काम ये सारा सर्विस सेक्टर भी होता है सर्विस चीज़ें वो होती है जो आप टच नहीं कर सकते पर किसी को प्रोवाइड कर सकते हो ठीक है चलो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है ध्यान से याद करके जाना इसकी डेफिनेशन अपने मन से देखो तो मैं आता भी हो ना थोड़ा सा लैंग्वेज को पकड़ लिया करो जो लैंग्वेज़स बुक में मैंशन होती है थोड़ा सा उसमें आंसर लिखने की कोशिश करा करो इससे फैचिंग हो जाती है मार्क्स की दफ जी डी क्या होती है वैल्यू ऑफ फाइनल कितना गुड्स और सर्विसेज एक पर्टिकुलर सेक्टर एक पर्टिकुलर साल में प्रोड्यूस कर पाया है उसको जीडीपी कहते हैं समझ गए क्या क्या याद रखना है तुम्हें इसमें क्या की है फाइनल शब्द को याद रखना है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर ड्यूरिंग ड्यूरिंग द टोटल प्रोडक्शन मतलब पूरे साल में कितना गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है उसको कहते हैं जीडीपी फिर उसके बाद आता है अंडर एम्प्लॉयमेंट उसके बाद नेक्स्ट क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे लोग काम तो कर रहे होते हैं पर ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल इसे डिस्गइज अन एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट एक ही बात है बच्चों इसमें क्या किया जाता है लोग काम तो कर रहे होते हैं जैसे एक खेत में पाँच लोग मिलकर काम कर सकते थे ठीक है तब भी उतना ही काम होता पर फैमिली में सात लोग थे तो सातों एक ही खेत में काम करने लग गए जरूरत तो नहीं थी ना दो की पर हमें लगेगा कि सातों के सातों एम्प्लॉयड है पर नहीं वो दो जो है उनकी जरूरत नहीं थी तब भी उस खेत में काम कर रहे हैं इसे कहते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट अब कौन कौन सी स्कीम है जो कि एम्प्लॉयमेंट से डील करने के लिए बनाई गई है महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इसके अंदर जिसको काम चाहिए ध्यान से पढ़ो इसकी कंडीशन तुम्हें याद होनी चाहिए सौ दिन का गारंटीड वर्क सरकार प्रोवाइड करेगी अगर सरकार इस वर्क को प्रोवाइड नहीं कर पाती है तो सरकार पेनल्टी मनी मतलब वो पैसा भी देगी तुमको अगर सरकार नाकामयाब होती है तुम्हें सौ दिन का काम प्रोवाइड करने में अब काम क्या है? जैसे कहीं कोई आ, को खुदवाना है ठीक है एम्बैटमेंट बनानी है फुटपाथ बनाना है ये सब काम करवाते हैं यहाँ पे काम खुद जनरेट होता है जैसे दोनों जगह का फायदा होता है विलेज की भी डेवलपमेंट हो जाती है और दूसरा फायदा क्या होता है लोगों को काम भी मिल जाता है अब दो सेक्टर्स होते हैं बच्चों ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे चीजें रेगुलर हो ठीक है एक एंटरप्राइज एक प्लेस हो काम की उसे ऑर्गेनाइज कहते हैं जैसे ऑफिसेज होते हैं ना ऑर्गेनाइज सेक्टर को फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है फॉर्मल सेक्टर भी कहा जाता है जैसे ऑफिस जाना गवर्नमेंट जॉब्स यहाँ पे आपको प्रॉपर ऑफिस मिलेगा प्रॉपर आपसे साइन कराया जाएगा जब आपका अपॉइंटमेंट होगा आपको एकदम से रैंडमली नहीं निकालते आपको एक नोटिस पीरियड देते हैं इसे फॉर्मल सेक्टर ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है ठीक है अनऑर्गेनाइज में क्या होता है जैसे मेट्स हो गई ठीक है ये अनऑर्गेनाइज का काम है जो घरों में बैठ के टेलरिंग का काम करते हैं अनऑर्गेनाइज है, है जहाँ पे आपको कोई प्रॉपर ऑफिस ना हो कोई अपॉइंटमेंट ना हो और प्रॉपर खुद छुट्टी वगैरह का भी कोई नहीं होता कोई क्राइटेरिया नहीं होता है ठीक है अरे सुनो इसके नोट्स तुमको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है समझ आ जाए तो डू सब्सक्राइब आगे बढ़ते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ये तुम जानते हो पब्लिक सेक्टर क्या होता है गवर्नमेंट सेक्टर हो पब्लिक सेक्टर कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को इंडिविजुअल ओन करता है अब हम जानते हैं अब नेक्स्ट चीज़ हमें पढ़नी है कि जो टर्जरी सेक्टर है हमारी कंट्री में उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है ठीक है हमारी कंट्री क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड बढ़ती जा रही है जैसे जैसे लोगों का इनकम बढ़ रहा है ना तो सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है लोग डॉक्टर के पास ज़्यादा जाएंगे सर्विसेज़ क्या होगी डॉक्टर की सर्विस टीचर की सर्विस और फिर उसके बाद तुम्हारे ये आ, सलून सर्विस ये सर ये वो चीज़ें होती हैं जो आप टच नहीं कर सकते पर आप करवा सकते हो आप ले सकते हो एक मिनट रुक जाओ हाँ चलो फिर उसके बाद आता है ईटिंग आउट टूरिज्म शॉपिंग प्राइवेट हॉस्पिटल प्रोफेशनल ट्रेनिंग ये सारी बिग सिटीज़ में देखी जाती है टर्जी सेक्टर जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी लोग सर्विसेज़ के मांग ज़्यादा करने लग जाएंगे इंसान के पास पैसे नहीं होते डॉक्टर को छोड़ के कहाँ जाता है वो क्या कहते हैं उसको अरे मेडिकल शॉप केमिस्ट से दवाई लेता है तो उसके बाद पैसे आने लग जाते हैं तो प्रेफर करिए डॉक्टर के पास जाओ ठीक है लोकेशन जाएंगे ये भी एक सर्विस है मेड्स लगवाते हैं क्योंकि उन लोगों को काम करना होता है काम करने का टाइम भी नहीं होगा तो मेड्स को हायर करेंगे तो धीरे धीरे करके सर्विस सेक्टर हमारा बढ़ता जा रहा है फिर उसके आ जाता है डिवीजन ऑफ सेक्टर देखो और मैंने ना कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में भी बना रखे हैं ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज के बीच में डिफरेंस आ जाता है ऑर्गन ये याद करके जाना है तुमको ठीक है इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना दो बार सुनना तीन बार सुनना खुद लिख के आना पर आपको याद एक बार तो पढ़ना पड़ेगा देखो दीज यूनिट्स आर रजिस्टर्ड ये गवर्नमेंट के अंदर रजिस्टर्ड होती है यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता ये बहुत बड़ी बड़ी यूनिट्स होती है छोटे छोटे स्कैटर्ड फैल्यू यूनिट होती है ठीक है लेबर लॉज वगैरह को फॉलो करेगी ये कोई लेबर लॉ को फॉलो नहीं करती देखो लैंग्वेज कितनी ईजी है ठीक process, है देर आर सम फॉर्मल प्रोसेस प्रॉपर प्रोसेस होते हैं प्रोसीजर्स होते हैं सेक्टर में यहाँ पे कोई प्रोसीजर नहीं होता देखो ना उन लोगों को जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनको तो छुट्टी भी नहीं मिलती है फिर उसके बाद आता है देर इज नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कोई देर इज़ अ सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ पे तो मैं रैंडमली एकदम से आके बोलेंगे नहीं आज से काम बताओ काम पर मताओ दिस इज नॉट हाउ इट गोज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई सिक्योरिटी नहीं होती आपको कभी भी निकाल सकते हैं फिक्स वर्किंग आवर्स होते हैं और अगर आपसे ओवर टाइम करवाएंगे तो पे करा जाएगा यहाँ पे कोई फिक्स वर्किंग आवर्स नहीं होते हैं सम अदर बेनिफिट्स कुछ और बेनिफिट्स भी मिलते हैं जैसे पेड हॉलीडेज हो गई मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट हो गया प्रोविडेंट फंड हो गया यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट प्रोविडेंट फंड ये सब का बेनिफिट नहीं होता है एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में क्या फ़र्क होता है पब्लिक सेक्टर देखो ये नेशन की इकॉनमी का जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है ये इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी कंट्रोल करती है गवर्नमेंट ओन करती है इसके मोस्टली सारे एसेट्स यहाँ पे जो ओनरशिप होती है वो प्राइवेट इंडिविजुल किसी बिजनेसमैन इन सब हाथों में होती है ठीक तो है नेक्स्ट आता है मेन मोटिव होता है बेनिफिट प्रोवाइड करना लोगों को और यहाँ पे मेन मोटिव होता है फ़ायदा कमाना गवर्नमेंट रेज कर सकती है मनी टैक्सेस के थ्रू यहाँ पे मनी जो होती है गवर्नमेंट यहाँ पे क्या होता है सर्विसेज को मनी कंपनी इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे तो आप टैक्स लगा के गवर्नमेंट पैसा कमा सकती है यहाँ पे लोगों को फंड इकट्ठा करना पड़ता है एग्जांपल आता है पुलिस आर्मी हेल्थ रेलवेज और इसमें एग्जांपल आता है रिला रिलायंस और टेस्को मैंने मेन चीज़ें डिस्कस कर लिया फटाफट सुन लो एक बार देखो स्टार्टिंग करी हमने प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर ट्रर्जरी सेक्टर ट्रजरी सेक्टर, सेक्टर, सेक्टर को ही सर्विस सेक्टर कहा जाएगा आपको दिमाग में रखना है ठीक है जीडीपी क्या होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट डिजगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट ये हमने पढ़ लिया मनरेगा इंपॉर्टेंट था मनरेगा तुम्हें दिमाग में रखना है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के बीच में डिफरेंस पढ़ लिया प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के बारे में भी पढ़ लिया इसका पूरा चैप्टर जो तसली से पढ़ा है वो वीडियो भी बनी हुई है पहले वो देखना फिर रिवाइज़ करना बाय बाय अपना ध्यान रखना ध्यान से पढ़ाई करना